दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचा रही थी महिला। सूट बूट पहने चोर ने ऐसे उड़ाया गहनों से भरा पर्स कि सब हैरान रह गए। इस तस्वीरों को आप देख ध्यान से देखिए जरा। यह तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। शादी में शरीक होने आए एक परिवार की महिला अपने दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए 2 सेकंड के लिए स्टेज पर क्या गई, अपने 40 तोला सोने के आभूषण ही खो बैठी। 40 तोला। शादी में बराती बनकर आए चोरों ने कुर्सी के नीचे रखे पर्स पर हाथ साफ कर दिया। हुआ यूं कि सोमवार को कोल्हापुर शहर में शिरोली नाके के करीब स्थित एक मंगल कार्यक्रम में ये कार्यालय में ये शादी हुई। वहां बराती बनकर घूमने वाले चोरों ने बेलगाम वासी इस महिला के करीबन 25 लाख के गहने ऐसे उड़ाए कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि वही टहलने वाले बरातियों में से एक आभूषण से भरा पर्स उठाकर छूमंतर हुआ। दो सेकंड के लिए महिला स्टेज पर गई और इतना बड़ा चपत महिला को लग गया। चोरी हुए सोने के आभूषणों की आज की तारीख में बाजारिक मूल्य अगर देखा जाए तो 24 लाख रुपए होती है, लेकिन पुलिस थाने में केवल 15,80,000 के आभूषणों की चोरी दर्ज कराई जाने की बात भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस के दस्ते इस चोर की तलाश कर रहे हैं। पर्स में क्या क्या आभूषण था वो भी जरा बता दूं मैं आपको। 7.5 तोले का सोने का हार, 5 तोले का कोयरी हार, 3 तोले का मंगलसूत्र, 6 तोले के कंगन, 5 तोले के सोने के तोड़े, 5 तोले के सोने के बाजूबंद, 6.8 ग्राम की 3 अंगूठियां, 1.5 तोले के सोने की कान की बालियां और कर्णफूल, इस तरह का कुल 24 लाख रुपए का सोना उस पर्स में रखा हुआ था।